पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भोपाल में सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे की बैठक में सम्मिलित होकर खंडवा बुरहानपुर सहित उनके लोकसभा क्षेत्र के रहवासियों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई विषयों को पुरजोर तरीके से उठाया। बीड़ शटल को मेमू रैक में बदलने, जबलपुर खंडवा पुणे के बीच नई ट्रेन चलाने जैसे कई विषयों को उन्होंने रखा। आपको बता दें कि भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने क्षेत्र के सांसदों के साथ शुक्रवार को सुबह 11 बजे ताज होटल में बैठक आयोजित की। इसमें खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी अपनी सहभागिता निभाई। खंडवा क्षेत्र से संबंधित रेलवे के विभिन्न मुद्दों को उठाया। इस पर महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने अनेक विषयों पर सकारात्मक जवाब भी दिए, आश्वासन भी दिया। रेल समिति पूर्व सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भोपाल में आयोजित बैठक में शामिल हुए, क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उठाया। इसमें खंडवा से बीड़ के बीच में चलने वाली शटल को मेमू रैक में परिवर्तित करने की मांग रखी। इस पर महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने बताया कि मेमू रैक उपलब्ध करने तथा भुसावल मंडल से इसे मेंटेनेंस करने की अनुमति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और जल्द करेंगे। सांसद पाटिल ने हरदा से खंडवा आने के लिए दोपहर 2 बजे शाम 8 बजे तक कोई ट्रेन सुविधा ना होने से प्रतिदिन खंडवा से हरदा आने जाने वाले अपडाउनर्स को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए इस समय के दौरान LTT गोरखपुर का स्टॉपेज हरदा देने की मांग रखी। इस सुझाव पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल और HRC से खंडवा सनावत के बीच मेमू या डेमू ट्रेन चलाने की मांग बैठक में रखी गई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्रवासियों को पुणे आने जाने के लिए अभी चल रही ट्रेनों में भीड़ होने से परेशानियों को लेकर अवगत कराया तथा अपर्याप्त बताया। इसके लिए जबलपुर और भोपाल से वाया खंडवा बुरहानपुर के रास्ते पुणे तक नई ट्रेन शुरू करने की मांग रखी गई। इस पर महाप्रबंधक ने बताया कि वे जबलपुर पुणे वंदे भारत स्लीपर और जबलपुर पुणे बेंगलोर का प्रस्ताव रेल बोर्ड को भेज रहे हैं। सांसद पाटिल ने बंद की गई नागपुर भुसावल की जगह अन्य वैकल्पिक नई ट्रेन चलाने की मांग रखी। खंडवा और बुरहानपुर स्टेशन पर ट्रेन संख्या 22171/72 यानी रानी कमलापति पुणे हमसफर और 02131/32 जबलपुर के स्टॉपेज देने की मांग की। इस पर महाप्रबंधक ने इस मांग को सेंट्रल रेलवे मुंबई को भेजने की बात कही। इस मौके पर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय, DRM भोपाल देवाधीश त्रिपाठी, सांसद भोपाल के अलावा भारत सिंह कुशवाहा और भोपाल के सांसद की बात करें तो आलोक शर्मा और भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर के सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े सागर, दर्शन सिंह चौधरी नर्मदापुरम, महेंद्र सिंह सोलंकी देवास और इसके अलावा चंद्रेश पचौरी सहित मनोज सोनी इस दौरान उपस्थित रहे। वो ट्रेन से जो है कि चाहे हमारे जैसे बैतूल के अंदर कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है और नागपुर और बैतूल यहाँ से बड़ी संख्या में जो पेशेंट जो है वो पेशेंट इस ट्रेन के माध्यम से उनको आवागमन के लिए सुविधा मिलती थी वो सुविधाएं बंद हो चुकी है। यदि नागपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है खंडवा से या हरदा से तो या तो उनको भुसावल जाए या इटारसी जाए। तो जो ट्रेन बंद पड़ी है उस ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि यात्रियों को उसकी सुविधा मिल सके। बीना में जो मेमू शेड बनाया जा रहा है उसको इटारसी में भी बनाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और इमरजेंसी कोटा के लिए आपने जो लैंडलाइन नंबर दिए, लैंडलाइन नंबर की बजाय कोई व्हाट्सएप नंबर दे दे तो उसके लिए काफी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और हमारे माननीय सभी सांसदों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और मोदी जी की सरकार में असंभव को संभव करना ही मोदी जी का काम है और असंभव शब्द डिक्शनरी में उनके नहीं है कि हमारे बहन लता वानखेड़े जी ने भी कहा कि असंभव कोई शब्द होता नहीं है। और आप पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।